अस्सलाम वालेकुम जी, ये सुजुकी एफएक्स है और 85 का ये मॉडल है। सीटें इस गाड़ी की चारों न्यू इंस्टॉल हैं। सुजुकी स्विफ्ट है, मॉडल 2011 का है। गाड़ी बाहर से टकरा रही है, 5 का मॉडल है, होंडा सिविक है और गाड़ी बाहर से मुझे शावर लग रही है। फिर भी ओनर के साथ मिलकर मैं आप लोगों से डिटेल शेयर कर दूँगा और बॉडी वाइज मुझे 1 रुपये का भी काम नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, सुजुकी कल्टस है न्यू वेरियंट में और 19 का मॉडल है। गाड़ी टोटल आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी, बम्पर टू बम्पर। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सुजुकी एफएक्स है और 85 का ये मॉडल है। गाड़ी अंदर बाहर से दोनों तरफ से आप लोगों को शावर या पेंट मिलेगी, बाकी इंजन रूम इस गाड़ी का जेन्युइन मिलेगा। जितने लोग एफएक्स की रिक्वेस्ट कर रहे थे, जी एफएक्स हम लोग ऐड कर रहे हैं। गाड़ी अच्छी है, गाड़ी के चारों टायर आप लोगों को बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलेंगे। अभी अभी इस गाड़ी का काम करवाया हुआ, पूरी की पूरी गाड़ी जो है रीपेंट है। गाड़ी में आप लोगों को बॉडी वाइज कोई भी काम नहीं मिलेगा। मज़ीद मैं आप लोगों को पूरी गाड़ी विजिट करा देता हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा टायर देखते हैं। नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर इंस्टॉल है। तकरीबन टायरों की हेल्थ की बात करें तो 80% तक हमें गुड मिल रहे हैं। तो बढ़ते हैं लाइटों की तरफ। जी लाइटों की बात करें तो लाइटें हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही हैं और आगे वाला बम्पर भी बिल्कुल न्यू इंस्टॉल करवाया हुआ है और लाइटें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं इस गाड़ी की। 85 का ये मॉडल है सुजुकी एफएक्स। सुजुकी एफएक्स की जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छी गाड़ी है, अंदर की जो सीटें हैं वो भी आप लोगों को सारी नई मिलेंगी, चारों की चारों न्यू इंस्टॉल हैं। मतलब कि प्रॉपर खर्चा किया हुआ है। अभी जिस जगह हालत में ये गाड़ी खड़ी हुई है ना, आप लोग 1 रुपये का काम भी नहीं करवाना पड़ेगा। तो बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से ही और नंबर प्लेट वगैरह जेन्युइन लगी हुई हैं अभी इसमें। तो उस जगह से थोड़ी सी जगह क्लोज़ है, मैं आप लोगों से तरह से वहाँ से विज़िट नहीं करा पा रहा, लेकिन ये वाली साइड आप देख रहे हैं आप लोग सेम वो साइड अभी इसी तरह ही देखने को मिलेगी। बाकी बढ़ते हैं अंदर की तरफ। तो इंटीरियर की बात करें तो हमें दरवाज़ों की जो है ये डोरियाँ, ये भी दोबारा बनी हुई है, मतलब नहीं कह सकते ओरिजिनल है, ये दोबारा बनी हुई है। सीटें इस गाड़ी की चारों न्यू इंस्टॉल हैं। शॉपर वगैरह अभी तक चढ़ी हुई हैं और इंटीरियर भी आप लोग गाड़ी का चेक कर सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कंडीशन में। जी क्योंकि एफएक्स है, 85 का मॉडल है। देखिए चलें, ये पार्टियाँ भी आ रही हैं इस गाड़ी के ऊपर। 85 सुजुकी एफएक्स और डैशबोर्ड से भी आप लोगों की नज़र दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड भी बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई टूटा हुआ नहीं है। कंसोल वगैरह जो है ये एयर फिल्टर के वो भी साफ़ हैं और नॉर्मल टाइप सिस्टम वगैरह भी इंस्टॉल है इसके अंदर। सीटें भी आप लोग चेक कर सकते हैं और अंदर से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, देखते हैं इंजन रूम की क्या कंडीशन है, उसके बाद फिर जो गाड़ी के ओनर के साथ मिलकर प्राइस वगैरह क्या गाड़ी वो भी आप लोग साथ शेयर कर देंगे। स्लिप हो गई चाचा, इधर फंसा रहा था निकल गई, वो होता है भैया। इंजन रूम चाचा इसका ओरिजिनल है ना, इंजन रूम से पूरी गाड़ी आप लोग को जेन्युइन मिलेगी जी। बाकी बाहर से और अंदर वाली साइड से आप लोगों को पूरी गाड़ी मतलब पेंट मिलेगी, इंजन रूम से इस गाड़ी को आप लोगों को जेन्युइन मतलब की मिलेगी। और इंजन में इसका गाड़ी का जो इंजन है वो भी जेन्युइन है, अपने इंजन पे ये गाड़ी। तो एफएक्स है, 85 का मॉडल है। अगर आप लोग गाड़ी समझ में आ रही, पसंद आ रही तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। अभी मैं इस ओनर के साथ मिलकर गाड़ी की पूरी डिटेल भी आप लोगों को दे देता हूँ, कितने में गाड़ी होगी या इसके टैक्स का क्या सीन है, चलने में गाड़ी कैसी है, इंजन का काम है कि नहीं है, सस्पेंशन वगैरह सब चीज़ें आप लोग बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या डिमांड करें चाचा इस गाड़ी की आप? 2 लाख रुपए। इसकी CPLC वगैरह सब क्लियर है, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है, टैक्स वगैरह सब पेड है, कितने ऑनर पे है ये गाड़ी? अच्छा पेपर सब कंप्लीट है, ठीक है। और 2 लाख रुपए आप इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, नंबर अपना बता दीजिए, फ़ोन नंबर 0332 31 49 270। क्या नाम है सर? आज़म। कहाँ की लोकेशन है आपकी? लोकेशन कहाँ की, कहाँ गाड़ी है मिलेगी? जी जी ठीक है चाचा, बहुत शुक्रिया। तो ये गाड़ी है आप लोग लांडी की लोकेशन में मिलेगी, बाकी चाचा की लोकेशन और नंबर मैं आप लोगों को शेयर करा दूंगा स्क्रीन पे। तो गाड़ी आप लोग चेक कर सकते हैं, 2 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, बाकी इसमें गुंजाइश वगैरह भी हो जाएगी। बाकी ये साइड में आप लोग विज़िट करा देता हूँ, पहले यहाँ पर लोग खड़े हुए थे इस वजह से विज़िट नहीं करा पा रहा था, लेकिन अभी आप लोग चेक कर सकते हैं। गाड़ी माशा से बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में, सुजुकी एफएक्स है जी और 85 का ये मॉडल है। गाड़ी चेक कर सकते हैं, चमचमाती हुई कंडीशन में खड़ी हुई है। बाकी बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम जी, सुजुकी स्विफ्ट है, मॉडल 2011 का है। गाड़ी बाहर से टचअप के अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन कंडीशन में मिलेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में। सिल्वर कलर में गाड़ी ये मौजूद है। गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी है, कुछ पार्टियां वगैरह भी लगी हुई हैं इस गाड़ी पे। अब हम भी साथ साथ वीडियो बना लेते हैं इस गाड़ी के जी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टायरों की। तकरीबन कह सकते हैं कि 70% गुड है, नॉर्मल जो 70% गुड है ऑनर कंपनी वाले जो लायर मिलाते हैं वो इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर। तो लाइटों की तरफ बढ़ते हैं। लाइटों की बात करें तो लाइटें हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही हैं। ग्रिल सेट की बात करें तो ग्रिल भी हमें बेहतरीन हालत में देखने को मिल रही है इस गाड़ी की। 2011 का मॉडल है सुजुकी स्विफ्ट। अगर आप लोग गाड़ी चाहिए तो मिल सकती है आप लोग, पूरी डिटेल वगैरह ऑनर के साथ मिलकर आप लोगों के साथ वो भी शेयर हो जाएगी। तो साइड में से गाड़ी कुछ इस तरह से मैं यहाँ से भी आप लोग दिखा देता हूँ, जगह बहुत क्लोज है। 2011 का मॉडल है सुजुकी स्विफ्ट है जी। टचअप की कंडीशन में बाद में पूछ लेंगे ओनर से कितने पीस इस गाड़ी के टचअप है और कहाँ कहाँ से टचअप है। सुजुकी स्विफ्ट है जी, DLX, और बैक साइड से आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी लाइटों से भी आप लोग दिखा देता हूँ ये गाड़ी। गाड़ी मशल से अच्छी कंडीशन में साफ़ है गाड़ी, कोई कहाँ जो बॉडी वाइज कोई वर्क नज़र नहीं आ रहा मुझे इस गाड़ी में, कहीं से लगी हुई नहीं है लकीरें नहीं है, कहीं से स्क्रेचेस नहीं है इस गाड़ी में। एक थोड़ा सा बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। अरे नवीद, अच्छा जी, तो लॉक खुलवा लेते उसके बाद इंटीरियर में आप लोग चेक कराया था। अच्छा जी, तो इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर से हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। थोड़ा सा दरवाज़ों की तरफ बढ़ते हैं। दरवाज़ों की सीलों की बात करें तो ओरिजिनल हालत में जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। सीलियन बोलते हैं इनको या तो। बाकी यहाँ दरवाज़ों की बात करें तो हमें पावर जो है विंडो मिल रही है और रोटेट मिरर का ऑप्शन भी मौजूद है इसमें। पावर स्टेयरिंग है जी, मैनुअल ट्रांसमिशन में सुजुकी स्विफ्ट है, 2011 का मॉडल है जी। अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी ओरिजिनल हालत में सीटें मौजूद हैं, कोई कवर वगैरह अभी तक इंस्टॉल नहीं है। तकरीबन के 1,00,000 के आसपास ये गाड़ी चली भी हुई है। इंटीरियर से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में अभी ये गाड़ी स्टार्ट है और इंजन से परफेक्ट लग रही है मुझे। जिस तरह का रेस दे रहे हैं, साउंड निकाल रही है गाड़ी, है इंजन रूम से भी गाड़ी परचे बेहतरीन है। पूरी गाड़ी चेक कर रहे हैं और इसमें 3-4 पार्टियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं वाटर ड्रॉप इंजन है इस गाड़ी का। वाह भाई, बाकी ओनर है, वाटर ड्रॉप इंजन है ये निशानी होती है वाटर ड्रॉप इंजन की। आप लोगों को इस दरवाजे से दिखाया था, चारों दरवाज़ों की सीलें आप लोग सेम कंडीशन में मिलेंगी ओरिजिनल हालत में, और नो डाउट गाड़ी माशाल्लाह से इंटीरियर से बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है। गाड़ी में कोई नाखून बराबर का स्क्रैच नज़र नहीं आएगा आपको। अच्छा जी, तो इंजन रूम से आप लोग विजिट, बस छोड़ दी, इंजन रूम से आप लोग गाड़ी में विजिट करा देता हूँ। इंजन रूम से गाड़ी ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में पूरी की पूरी आप लोग इंजन रूम से गाड़ी जेन्युइन मिलेगी। और ये अपने इंजन में सर, ठीक है जी, अपने कितने सीसी इंजन होता है इसके अंदर? 1300 cc, 1.3 का इंजन इस गाड़ी के अंदर अपना इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन में है, 2011 का मॉडल है। बंद कर दूँ अभी, थोड़ा सा ऑनर पार्टी को डील कर दें, उसके बाद फिर ऑनर के साथ मिलकर प्राइस वगैरह क्या गाड़ी को भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अच्छा जी, तो डिटेल वगैरह ले लेते हैं गाड़ी की और उसके बाद फिर ऑनर के साथ जो है नंबर वगैरह भी शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। अभी पार्टियाँ लगी हुई, थोड़ा सा मसरूफ़ लगे हुए ओनर भी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की आप? 1365 कुछ गुंजाइश हो जाएगी, फाइनल प्राइस आपकी है तो देख लें अल्लाह मालिक है, जो कोई सीरियस बायर होगा तो सर गुंजाइश हो जाएगी। पेपर सब कंप्लीट है सर इसके? डॉक्यूमेंटेशन में गाड़ी अपना बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट ऑनर है, CPLC वगैरह सब क्लियर है, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है इसकी, कोई सस्पेंशन इंजन वाइज कोई काम तो नहीं? मरवेला मोटर से अभी करवाया है, सुजुकी मोटर से। अच्छा, AC वगैरह परफेक्ट वर्किंग है इस गाड़ी का। DLX का क्या मतलब है सर? ABS ब्रेक वगैरह इसमें, ABS ब्रेक है, डबल मिरर्स हैं। अच्छा, एक साथ ही आती है क्या इसमें? एक साथ ही है, वो DX आती है। DX आती है, ठीक है जी। तो बाकी भाई का नंबर जो आप लोग से शेयर करते हो, नंबर बताइए सर अपना। 0317 2317 2137 2137 199। कहाँ की लोकेशन है सर? सर गार्डन की। क्या नाम है आपका सर? समीर। समीर भाई, गार्डन की लोकेशन है आपकी, ठीक है। तो ये समीर भाई के पास गाड़ी मौजूद है, गार्डन की लोकेशन है, 2011 का मॉडल है। समीर भाई, कहाँ कहाँ से गाड़ी टचअप है? उस साइड के पैसेंजर साइड के दो। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डोर की जो साइड है वो दिखा देता हूँ। दो पीस इस गाड़ी का टचअप हैं, जो नीचे के ना दो डोर हैं, ये नीचे जिस साइड टचअप है, बाकी ऊपर से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो रश आप लोग चेक कर सकते हैं। इस टाइम तक तकरीबन हमारे आधे घंटे की वीडियो बन जाती थी, तो अभी सिर्फ हम लोगों ने दो गाड़ियाँ कवर करी हैं। तो
बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सी हमें गाड़ी देखने को मिलती है। तो आप लोग से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें यार, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया। तो गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी है, 2005 का मॉडल है, होंडा सिविक है और गाड़ी बाहर से मुझे शावर लग रही है, फिर भी ओनर के साथ मिलके मैं आप लोगों से डिटेल शेयर कर दूंगा। और बॉडी वाइज मुझे एक रुपए का भी काम नज़र नहीं आ रहा, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर लें जब आप लोग गाड़ी परचेज़ करने आएँ। तो टायरों की कंडीशन की बात करें, नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं, तकरीबन कह सकते हैं कि 70 से 60% तक गुड है। फ्रंट से एक नज़र आप लोग गाड़ी को चेक कर लें, होंडा सिविक है, 2005 का मॉडल है। अच्छा, ये दरवाज़ों से कंडीशन में आप लोगों को दिखा दूं तो इसकी सीलें वगैरह बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं और सीटों पे जो है लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल करवाया मैं, अंदर से आप लोगों पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी। जितने लोग होंडा सिविक की रिक्वेस्ट करते हैं होंडा सिविक में ऐड कराऊँ, अगर आप लोग गाड़ी चाहिए तो आप लोग गाड़ी परचेस कर सकते हैं, ऑनर का जो नंबर है पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ। तो इंजन रूम से गाड़ी है कुछ इस तरह से, जंप साइड की मुक्की वगैरह भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में देखने को मिल रही है। इंजन रूम भी इस गाड़ी का बिल्कुल बेहतरीन हालत में देखने को मिल रहा है और इसका इंजन जो है चेंज है, अभी पूछ लेंगे ओनर से कि बुक पर अपडेट है कि नहीं है। होंडा सिविक है, 2005 का मॉडल है। और सामने से गाड़ी साइड भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, एक्सीडेंट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मुझे एक्सीडेंट नहीं है, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। ओनर के पास जाते हैं, हम पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या, कितने में गाड़ी फाइनेंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की आप? 10,50,000। 2005 का मॉडल है? 2005 मॉडल है। अच्छा, बाहर से गाड़ी टचअप है? 2005 मॉडल है। मैनुअल मैनुअल क्या पैसे? 10,50,000। मैनुअल इंजन है इसके अंदर? मैनुअल इंजन है। ठीक है, अपने इंजन चेंज करवाया आपने? इंजन चेंज है। बुक पे अपडेट कराया? जी, बुक पे अपडेट है। बाहर से कंडीशन बता देंगे गाड़ी? बाहर से साइड एंड टचअप है गाड़ी की, और बोनट और छत जो है वो ओरिजिनल है, पूरी शावर नहीं है, मतलब पूरी शावर नहीं है। ठीक है, सस्पेंशन इंजन वाइज कोई काम वगैरह तो नहीं है? बिल्कुल ओके, ए सी वगैरह वर्किंग में? ए सी ओके। ठीक है, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन मिल जाएगी सर? ओरिजिनल है, फाइल कंप्लीट है, टैक्स पेड है, बिल्कुल। ठीक है, कितने ओनर पे सर गाड़ी है? ये सेकंड ओनर पे है। एवरेज क्या देती होगी सर, पता है गाड़ी का? 14 किलोमीटर देती है। इन सिटी? इन सिटी। और हाईवे पे 16 के आसपास? 16 के आसपास। 1600 सीसी इंजन होता है इसका? जी 1500। 1500 सीसी इंजन होता है। ठीक है सर, अपना नंबर शेयर कर दीजिए। 0311 2311 2697 77 11। क्या नाम है सर? इस्माइल भाई। कहाँ की लोकेशन है? ये एयरपोर्ट की लोकेशन है। ठीक है, तो इस्माइल भाई के पास गाड़ी मौजूद थी, 2005 का सिविक है मॉडल, और गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी कंडीशन में, बाहर से गाड़ी आप लोगों को टचअप मिलेगी, अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन कंडीशन में मिलेगी। इंजन इस गाड़ी का चेंज है लेकिन बुक पे अपडेट है, बाकी सब चीज़ आप लोगों को क्लियर मिलेगी, पेपर सब कंप्लीट है, इसके नंबर प्लेट जेन्युइन मिलेंगी और एवरीथिंग इज़ ओके, गाड़ी रेडी टू ड्राइव पर खड़ी हुई। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके, तो बढ़ते आगे की तरफ और आगे देखते हैं हमें कौन सी गाड़ी देखने को मिलती है। तो ये गाड़ी है माशाल्लाह से 2005 का मॉडल था, ये होंडा सिविक सुजुकी कल्टस है न्यू वेरिएंट में और 19 का मॉडल है। गाड़ी टोटल आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी और गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी कंडीशन में, जितने भी लोग सुजुकी कल्टस की रिक्वेस्ट करें सुजुकी कल्टस में ऐड कर रहा हूँ। तो आप लोग फ्रंट से गाड़ी को चेक कर सकते हैं, सुजुकी कल्टस VXR। और टायरों की बात करें तो कह सकते हैं कि इस गाड़ी के टायर जो हैं 60 से 70% तक गुड है और लाइट में लगे हुए हैं सुजुकी के, तो आप लोग लाइटें वगैरह भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। ग्रिल साइड भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ़ है और गन मेटल कलर में है। सूरज की लाइट इस तरह से पड़ी, आप लोग को शायद इसी तरह से नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। तो सब बढ़ते हैं, VXR है, VXL है? VXL वाली है ना? ठीक है सर, तो गाड़ी का जो वेरिएंट है VXL है, यहाँ से जो स्टिकर होता है इसका वो उखड़ा हुआ है, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि VXR है या VXL है, लेकिन ये VXL है। तो गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी चमचमाती हुई कंडीशन में आप लोग चेक कर सकते हैं बैक साइड से गाड़ी को जिस तरह से, और नो डाउट गाड़ी जिस तरह आप लोग कैमरे में नज़र आ रही है रियल में भी आप लोग गाड़ी इसी तरह ही देखने को मिलेगी। और बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ,
इंटीरियर की बात करें तो दरवाज़ों की साइडें आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में देखने को मिल रही हैं। और जो है पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग है जी, लेकिन जो है मैनुअल ट्रांसमिशन में है वी एक्स एल का वेरियंट, एक जो शादी आती है वी एक्स आर, उसमें आप लोगों को पावर विंडो नज़र नहीं आएंगी। बाकी ड्राइवर साइड से मैं आप लोग विजिट करा देता हूँ ये गाड़ी, तो साइड दीजिए ड्राइवर साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से है जी। ये आप लोगों को पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा इस गाड़ी में, और रोटेटेबल मिरर भी है इसमें राइट लेफ्ट का, और स्टेयरिंग इस गाड़ी का पावर मिलेगा आप लोगों को। बाकी डैशबोर्ड से आप लोग गाड़ी चेक कर सकते हैं, सीटों में जो नॉर्मल कवर वगैरह इंस्टॉल हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, और अच्छी कंडीशन में गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी। बाकी इंजन में इस गाड़ी का विज़िट करा देता हूँ, तो अभी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, देखते हैं इंजन रूम की क्या कंडीशन, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलकर प्राइस वगैरह क्या गाड़ी की वो भी आप लोग साथ शेयर कर देंगे जी। इंजन रूम की कंडीशन से आप लोग चेक कर सकते हैं गाड़ी को, जम साइड की मुखियाँ वगैरह वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में देखने को मिलेंगी आप लोगों को, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी है, मॉडल 2019 का वी एक्स एल वेरियंट में। अगर आप लोग गाड़ी समझ में आ रही तो आप लोग गाड़ी परचेस कर सकते हैं, ओनर का नंबर पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को मिल जाएगा जी। ये इसकी बॉनेट की सीलें वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं, और माशाल्लाह से अच्छी गाड़ी है, कहीं से आप लोगों को टचअप नहीं मिलेगा, पूरी जेन्युइन है। बाकी ओनर के साथ मिलकर प्राइस वगैरह क्या गाड़ी की वो लोग शेयर कर देंगे जी। 2019 जी। अस्सलाम सर, क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की आप? 22 लाख रुपये 2019 का मॉडल है, गाड़ी टोटल जेन्युइन है, नंबर प्लेट आई हुई है इस गाड़ी की? इशू नहीं हुई अभी तक, CPLC वगैरह सब क्लियर है? अच्छा, इस गाड़ी के जो सस्पेंशन है इंजन वाइज कोई काम वगैरह तो नहीं है? AC वगैरह वर्किंग में? अच्छा, पावर स्टीयरिंग पावर विंडो वाली है ये गाड़ी? ठीक है सर, अपना नंबर शेयर कर दीजिए जो आपके इस्तेमाल में होता हो। 0333 2275 2275 908 908। क्या नाम है आपका सर? बहादुर। कहाँ की लोकेशन है बहादुर खान भाई? गुलशन हदीद की लोकेशन है। बहादुर खान भाई के पास गाड़ी मौजूद होती है, गाड़ी माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में VXL के वेरिएंट में, और गाड़ी 2019 का मॉडल है, गाड़ी टोटल आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी, 1000 CC इंजन में सुजुकी कल्टस VXL।